इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का चैप्टर कर रहे हैं। इसके तहत बुक की मर्यादा के मुताबिक जो भी क्रिटिकल एनालिसिस किया गया डिसइन्वेस्टमेंट का, वो हमने आपको प्रेजेंट किया पिछले लेक्चर के दौरान। लेकिन हम इसे टिल डेट अपडेट भी करेंगे। तो इसके तहत 2021 में सरकार के द्वारा लाई गई नई नीति, जिसे आप पब्लिक सेक्टर की पॉलिसी कहते हैं या साथ में ही डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी भी मानते हैं, हम आज उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। इसके तहत आप ये सीखेंगे कि इस समय में सरकार के द्वारा स्ट्रेटजिक और नॉन स्ट्रेटजिक की नई परिभाषा तैयार की गई, और उसके तहत नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर के पास दो ही अवसर छोड़े कि या तो आप ख़त्म हो जाइए या प्राइवेट हो जाइए। हम इन सभी चीज़ों को गहराई से आज के इस लेक्चर के माध्यम से समझेंगे, और ये नए डिपार्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर, डिसइन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस, सब के बारे में आपको टिल डेट अपडेट रीसेंट डाटा प्रोवाइड करेगा। तो टॉपिक शुरू करते हैं। अब आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया गया है। हमने ये पढ़ा था कि 1950s का एक दौर था जब सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी की बात हुई थी। आज भी शब्द वही हैं, लेकिन मायने पूरी तरह से बदल चुके हैं। इसकी डिस्कशन हम करेंगे। मैं पहले आपको इन सभी चीज़ों से अवगत करा दूं, ताकि हम एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ सकें। कुछ डाटा हैं, उसको समझिए। ये रीसेंट डाटा है, आपने बुक के बाया इसके पहले का भी डाटा देखा। ये डाटा आपको साइज इमेजिन करने में मदद करेगा। डाटा क्या बताता है? एट द एंड ऑफ 2019-20 टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वर 366। देखिए, 2019-20 तक देश में टोटल 366 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो चुकी थी। ओके, और इसके पहले हमने हमेशा आंकड़े इससे कम ही देखे हैं। मतलब अभी तक ये 2022 के जस्ट पहले तक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की रेलेवेंस कुछ बनी ही होगी, तो नंबर बढ़ते चले गए उनके, तो नंबर्स काफ़ी थे 366। लगभग 450 के अराउंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थीं, 256 ऑपरेशनल, 96 अंडर कंस्ट्रक्शन, 14 अंडर लिक्विडेशन, लिक्विडेशन बंद होने के कगार पर चल रही थी, 96 अभी तैयार हो रही हैं, 256 है जो ऑपरेशनल है, 256। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट डाटा है, वो क्या है? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, 2019-20 का ही सारा आंकड़ा चल रहा है। इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जो टोटल कैपिटल लगाया, जो टोटल पूंजी निवेश हुआ है, जो इनका एसेट्स बने हैं, फिगर देखिए, 31,16,455 करोड़, 31 लाख करोड़ के अराउंड का टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड है इनमें। 31 लाख करोड़ इज़ अ वेरी वेरी बिग फिगर। आप इसको यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पंजाब पर लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, और 31,16,000 करोड़ रुपया का कैपिटल इन्वेस्टेड है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। मतलब पंजाब पे जितना कर्जा है उससे 10 गुना, 10 टाइम्स। ओके, 31,16,455 करोड़। इसके अलावा दूसरी फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस रेवेन्यू जो जनरेट होता है इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, 24,61,712 करोड़, लगभग ये 25 लाख करोड़ के अराउंड रेवेन्यू पैदा करती हैं। 25 लाख करोड़ के अराउंड, इट इज़ अ वेरी वेरी बिग फिगर, 25 लाख करोड़। ओके, इसके बाद यहाँ पर लिखा है 171 ऐसी हैं जो प्रॉफिट अर्न करती हैं, 84 ऐसी हैं जिनके लॉसेस हैं, जो लॉसेस इनकर कर रही हैं। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ देखिए, 14,73,810, 14,73,810, यानी कि लगभग 15 लाख एम्प्लॉयज़, लगभग 25 लाख का रेवेन्यू, लगभग 31 लाख करोड़ की कुल पूंजी निवेश। इन आंकड़ों के साथ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग खड़ी हैं, बड़ा सेक्टर जो आने वाले इंडिया की इकोनॉमिक नीड्स को सर्व कर सकता है। हमें देश के स्तर पर जो भी अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं, उनका पोटेंशियल टैप करना है, बड़े पैमाने पर लोगों को रोज़गार देना है।
टेक्नोलॉजी के विकास से अंडर कैपिटलाइज्ड, अनकैपिटलाइज्ड सभी के सभी रिसोर्सेज को हमें फुल यूटिलाइजेशन में कन्वर्ट करना है, तभी आज के डेट में देश एक्सपोर्ट प्रमोशंस कर पाएगा, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशंस कर पाएगा और इतने बड़े युवाओं की संख्या को जो कि 2030 में लगभग 50% जनसंख्या 25 वर्ष के लोगों की होगी, उनको रोज़गार दे सकता है। हमें उन्हें रोज़गार देना है। वी आर गोइंग टू रीच द डेमोग्राफिक डिविडेंड फिगर एंड वी नीड टू प्रोवाइड देम विद द एम्प्लॉयमेंट, विद द लाइवलीहुड। वी नीड टू अनलॉक और अनलैश द पोटेंशियल ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजिंग इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट ऑनरशिप और द प्रोडक्टिव एसेट्स और द टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशंस, एडवांसमेंट्स, ये सारी चीज़ों के बाया हमें इनको परिवर्तित करना है, वो हम समझेंगे। ये फिगर आपके सामने खड़ी है। अब हम न्यू पॉलिसी की बात करते हैं। न्यू पॉलिसी 2021 की क्या करती है? आप इसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी कह लें, इसी के साथ आपको डिसइन्वेस्टमेंट जुड़ी हुई दिखती है तो ये डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के रूप में भी जुड़ जाएगी। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इनटू स्ट्रेटजिक एंड नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर। सबसे पहले तो हमने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को स्ट्रेटजिक और नॉन स्ट्रेटजिक में डिवाइड किया। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ऐसा क्यों किया? क्लियर कट, जो भी इंडस्ट्री अब, जो भी एंटरप्राइज अब नॉन स्ट्रेटेजिक में चली जाएगी, उसके पास सिर्फ दो ऑप्शन होंगे, ओनली टू ऑप्शंस, इधर प्राइवेटाइज और क्लोज, इधर प्राइवेट और क्लोज, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट और अधिक अदर और अदर पीएसयूज इन एनी फॉर्म। जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अब नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में चली जाएगी या प्राइवेट होगी, यानी कि फुल डिसइन्वेस्टमेंट, या बंद, सरकार की कोई प्रेजेंस नहीं और ना ही उसे किसी और पीएसयू से जोड़ना है, डन होगी कहानी। जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में आ जाएंगी उनमें बेयर मिनिमम प्रेजेंस रखना है गवर्नमेंट का, बेयर मिनिमम प्रेजेंस, गवर्नमेंट का बेयर मिनिमम प्रेजेंस अश्योर करने के बाद, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी है, चाहे टेलीकम्युनिकेशन है, चाहे डिफेंस है, कहीं भी गवर्नमेंट का बेयर मिनिमम प्रेजेंस रखना है, आप देखेंगे 40% रखना है, 50%, जितना भी, रेस्ट मर्ज करिए, सब्सिडराइज करिए, प्राइवेटाइज करिए, क्लोज करिए, जो कॉल लेनी है लीजिए, पर गवर्नमेंट का बेयर मिनिमम प्रेजेंस रखना है। अक्सर आर्टिकल्स में ये कन्फ्यूज लिखा गया हर जगह पर, लेकिन प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया PBI का पेज इसे फुली क्लियर करता है कि स्ट्रेटजिक और नॉन स्ट्रेटजिक का यहाँ पर मीनिंग क्या है। मैंने आपको उसके बाया बता दिया और वो अब यहाँ पर लिखा है, हम समझेंगे। सो क्लियर कट डिवीजन, सो क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इनटू स्ट्रेटजिक एंड नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर्स। अब आपके दिमाग में दूसरा सवाल आ रहा होगा कि ये सर कौन रिकमेंड करेगा कि किस किस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को स्ट्रेटजिक सेक्टर में रखना है? जहाँ पे गवर्नमेंट का प्रेजेंस रहने वाला है अभी, वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, इसमें किस किस को रखना है ये कोई रिकमेंड करेगा ना? यहाँ पर देयर इज अ रोल ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग विल रिकमेंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स फॉर रिटेंशन इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर। किस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को स्ट्रेटेजिक सेक्टर में रखना है इसके बारे में कौन रिकमेंड करेगा? नीति आयोग। ओके, नीति आयोग जो रिकमेंड करेगा किसको रिकमेंड करेगा, उस नीति आयोग की रिकमेंडेशन को कौन कंसिडर करेगा? CGD, देर विल बी अ बॉडी दैट इज CGD, कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, ये नई बॉडी बनाई है CGD। पहले बहुत से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स GOM सुने होंगे आपने एक टाइम पे, दिस इज CGD। ये सेक्रेटरीज लेवल के लोग, देखिए मिनिस्टर्स नहीं है यहाँ पे। कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट कौन हेड करता है CGD को? कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी विल हेड द CGD। ये सारे MCQs बन सकते हैं कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को। जब आपने एक बार कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को रिकमेंड कर दिया नीति आयोग ने, तो कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट CGD उसको किसके पास भेजेगा? CGD उसको रेफर करेगा अल्टरनेटिव मैकेनिज्म के पास।
अल्टरनेटिव मैकेनिज्म का यहाँ पर मतलब कौन है, हु इज अल्टरनेटिव मैकेनिज्म? ओके, आई विल टेल यू द अल्टरनेटिव मैकेनिज्म। अल्टरनेटिव मैकेनिज्म में आता है फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड द मिनिस्टर फॉर रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। हो सकता है ना कि वो जो पर्टिकुलर पीएसयू आप इंक्लूड करने जा रहे हैं वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से जुड़ी हुई मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ पीएसयू हो सकता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से जुड़ी हुई मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ पीएसयू हो सकता है वो रोड्स ट्रांसपोर्ट्स एंड हाईवेज से जुड़ा हुआ एक पीएसयू हो। इसी के लिए इसका नाम अल्टरनेटिव मैकेनिज्म रखा गया है। आई बात समझ में? इस अल्टरनेटिव मैकेनिज्म के अंदर ये तीनों रहेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इनसे मिलकर बनेगा अल्टरनेटिव मैकेनिज्म। सो नीति आयोग विल रिकमेंड, विल कंसिडर फर्स्ट देन रिकमेंड द पीएसयूज फॉर रिटेंशन इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर। रिकमेंड टू होम? रिकमेंड टू सीजीडी, कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। देन द कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट विल रिकमेंड दैट टू द अल्टरनेटिव मैकेनिज्म एंड देन अल्टरनेटिव मैकेनिज्म विल टेक कॉल, इट विल टेक कॉल अकॉर्डिंगली, वो रिटेन हो जाएगा किसके अंदर, स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अंदर। ये बात क्लियर? अभी समय, इस समय स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अंडर जो आ रहे हैं वो है चार, दैट इज एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस। आपने क्लासिफाई कर लिया, फोर फोल्ड डिवीजन है, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस, बी ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, सी पावर पेट्रोलियम कोल एंड अदर मिनरल्स, डी बैंकिंग इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये चार, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अब किन किन एंटरप्राइजेस की फॉर्म में रह सकती हैं, या तो ए एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस के रूप में, या तो बी ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन के रूप में, या तो सी पावर पेट्रोलियम कोल एंड अदर मिनरल्स के रूप में, या तो डी बैंकिंग इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल। आप ध्यान दीजिए, ये चारों के चारों स्ट्रेटेजिक हैं देश के लिए, बैंकिंग भी, इंश्योरेंस भी, फाइनेंशियल भी, बट इन सब जगह पर आप क्या कह रहे हैं, सॉवरेनिटी मेंटेन करनी है देश की, देश की जो प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन के वो प्रभावी रहे बस, और इसके तहत देश की स्वतंत्र विदेश नीति और आंतरिक नीति बनी रहे, इसलिए गवर्नमेंट बेयर मिनिमम प्रेजेंस रखेगी अपनी, दैट सेट बेयर मिनिमम प्रेजेंस इनमें। बाकी आप देख सकते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में गवर्नमेंट अब प्रपोजल्स लेकर के आई है कि वो LIC का भी IPO लेकर के आएगी। तो अब मैं आपको गवर्नमेंट के इस दिशा में उठाए कुछ कदम बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको सब रिकॉल हो जाएगा पिछले 1.5 से 2 साल के दौरान लिए गए गवर्नमेंट के कदम। ध्यान से समझिए, दिस इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय द पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट? अभी तक क्या कर दिया, अभी तक स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ, ध्यान से सुनिए, BPCL, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, BEML, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, 2021-22 तक कंप्लीट हो गए, इनकी डिसइन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो गई। सेकेंड, प्राइवेटाइजेशन ऑफ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक एंड 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू बी टेकन अप इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। लंबे समय से निर्मला सीतारमन कह रही हैं कि 2 बैंक और 1 जनरल इंश्योरेंस को हम प्राइवेटाइज करेंगे। तीसरा, IPO ऑफ LIC टू बी ब्रॉट इन थ्रू रिक्विजिट अमेंडमेंट्स। LIC का IPO लॉन्च होने की बात हुई थी, जिसके तहत उसे शेयर मार्केट में उतारा जाएगा और लोग उसमें इक्विटी परचेज करेंगे, शेयर होल्डिंग लेंगे। ₹1,75,000 करोड़ एस्टिमेटेड एज रिसीव्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। इन सारे डिसइन्वेस्टमेंट से 1 लाख यानी कि 2.25 लाख करोड़ आने की उम्मीद ऐसी सरकार ने जताई है। इट इज़ अ वेरी वेरी एम्बिशियस प्लान। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, केंद्र का ये प्लान है इस स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के अंडर कि जो जो स्टेट इसी लाइन पर चल करके डिसइन्वेस्टमेंट करेगा उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। तो दैट इज फॉर द स्ट्रेट। ओके, इतनी बात क्लियर? तो ये वो कंपनियां जो अब तक डिसइन्वेस्टमेंट हुई, ये वो बैंक और इंश्योरेंस जिनको आगे डिसइन्वेस्ट करना है, ये सब स्ट्रेटेजिक सेक्टर के तहत हैं, लेकिन गवर्नमेंट बेयर मिनिमम प्रेजेंस रखना चाहती है बस, ताकि देश की संप्रभुता आघात ना हो, सॉवरेनिटी
कि ये इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट पूरी तरह से प्राइवेटाइज करके इनको बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन जैसे ही सॉवरेनिटी इंश्योर होती है, जैसे ही डिसीजन मेकिंग इंश्योर होती है, जैसे ही देश के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हो जाते हैं इंश्योर, उसके आगे कहीं भी गवर्नमेंट इस इन सेक्टर में किसी परसेंटेज में भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। रेस्ट दे आर द सेक्टर्स विच नीड टू परफॉर्म, इनकी परफॉर्मेंस इनको परिभाषित करेगी। समझ में आ गई बात? तो स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक पहली डिवीजन। स्ट्रेटेजिक के अंदर चार एंटरप्राइजेस जिनमें PSUs आएंगे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आएंगे, और उसमें हमने ABCD में देख लिया, और वह सारे महत्वपूर्ण हैं, आपकी आंखों के सामने हैं। कोल है, मिनरल्स हैं, पावर हैं, ये महत्वपूर्ण है, बैंक है, फाइनेंस, इंश्योरेंस ये महत्वपूर्ण है, एटॉमिक, स्पेस, डिफेंस ये महत्वपूर्ण है, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ये महत्वपूर्ण है। ये चारों स्ट्रेटेजिक हैं, ओके। इनमें बेयर मिनिमम प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट, रेस्ट विल मर्ज, प्राइवेटाइज, सब्सिडराइज, व्हाट विल हैपन इसे डिसाइड करने के लिए एक डिपार्टमेंट आएगा, दैट वी विल डिस्कस, ओके। इतनी बात क्लियर हुई? तो यहां पर लिखा हुआ है, मैंने क्लासिफिकेशन यहां पर किया गया है, बट कुछ एग्जम्पशंस रखी गई हैं। वो कौन सी? एक तो वो कंपनियां दो 2013 के कंपनीज एक्ट के तहत बनाई गई, कौन सी? नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज, वो एग्जम्प्टेड है। बहुत सी ऐसी कंपनी सरकार ने बनाई है नॉट फॉर प्रॉफिट, कई तरह के फैसिलिटेटिंग वर्क करने के लिए, या मान लीजिए कि आपने UIDAI अथॉरिटी ही बनाया आधार कार्ड तैयार करने के लिए, उसके पंजीकृत करने के लिए, वो तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है ना, तो उनको आप नहीं इसमें लाएंगे, वो गवर्नमेंट ही के पास है, सो दे आर एग्जम्प्टेड। सेकेंड कौन एग्जम्प्टेड है? दोज ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज दो सपोर्टिंग वल्नरेबल एंड वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ओके। तो अभी तक गवर्नमेंट के तहत वो कंपनीज जो नॉट फॉर प्रॉफिट के तहत 2013 के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, और या फिर वो सेक्टर्स जो वल्नरेबल और वीकर सेक्शन को सपोर्ट करते हैं, इनको हटाया नहीं गया है, जैसे कि मनरेगा जैसी योजना के तहत होने वाले काम, ठीक है। दे आर पर्टिकुलरली सपोर्टिंग द वल्नरेबल एंड द वीकर सेक्शन, जैसे कि PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ओके। सो दीज आर द सेगमेंट्स विच आर सपोर्टिंग द वल्नरेबल एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दे आर एग्जम्प्टेड। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज आर एग्जम्प्टेड। रेस्ट देर इज अ क्लियर कट डिवीजन, स्ट्रेटेजिक, नॉन स्ट्रेटेजिक, एंड द आंसर इज स्ट्रेटेजिक में ये सारी हैं। तो अब इसके बारे में क्या लिखा है? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इन द स्ट्रेटेजिक, सॉरी, न्यू पॉलिसी डिजायर्स अ बेयर मिनिमम प्रेजेंस ऑफ द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इन द स्ट्रेटेजिक सेक्टर, बेयर मिनिमम प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट। क्या किया जाएगा इसके बारे में? पब्लिक सेक्टर इन द स्ट्रेटेजिक सेक्टर विच आर नॉट परफॉर्मिंग वेल टू बी टेकन अप फॉर, ध्यान से देखिए, स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अंदर जो जो भी नहीं परफॉर्म कर रहा है बेहतर, उसको उठाया जाएगा किस काम के लिए? इधर प्राइवेटाइजेशन, मर्जर, सब्सिडराइजेशन विद अनदर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ऑल विल बी क्लोज्ड। स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अंदर जो जो पब्लिक सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, या प्राइवेट किया जाएगा, या मर्ज कर दिया जाएगा, या सब्सिडराइज कर दिया जाएगा, उसे किसी और PSU की सब्सिडरी बनाया जाएगा, और या क्लोज किया जाएगा। ये चार ऑप्शन हैं। लेकिन नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में इनमें से कोई ऑप्शन इस तरह से नहीं है। सिंपल ऑप्शन है या प्राइवेट या क्लोज, या प्राइवेट या क्लोज, दैट्स इट। और कोई इंडिकेटर नहीं है कि उनको वेट एंड वॉच करना है कि परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि नहीं, नो। उनका नॉन स्ट्रेटेजिक में इंक्लूड होना क्लियर है, या प्राइवेट या क्लोज। वी विल नॉट वेट टू वॉच देयर परफॉर्मेंस, नो। वो डाल दिए गए नॉन स्ट्रेटेजिक में, 15 सेक्टर डाल दिए, प्राइवेट और क्लोज, दैट्स इट। इधर देखा जाएगा, देखा कि बैंक अच्छे से काम नहीं कर रहा, वी विल कंसिडर क्या? मर्जर कर दिया SBI की ब्रांचेस का उसके अंदर, और अभी PNB बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, वी विल कंसिडर इफ इट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, इट मर्जर, या सब्सिडराइज कर देंगे किसी और PSU के अंदर, सब्सिडरी बना देंगे, या प्राइवेट करेंगे उसको, जैसे IDBI, और या फिर बंदी कर देंगे, खत्म कहानी। ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अंदर, मैं बार बार समझा रहा हूँ, कन्फ्यूज ना करिएगा। नॉन स्ट्रेटेजिक में जाते ही खत्म कहानी, प्राइवेट या क्लोज, चल डन। आपको ये डिवीजन क्लियर हो गई? अब ध्यान से दूसरी लाइन, टू इम्प्लीमेंट द न्यू पॉलिसी
टू इम्प्लीमेंट द न्यू पॉलिसी द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज दैट इज द DPE हैज बीन ब्रॉट अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री विच वॉज अर्लियर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस. तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर एक डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, इसको उससे निकाल के फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ले आया गया है ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके, बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके, ताकि दीपम जो कि एक और डिपार्टमेंट है जो डिसइन्वेस्टमेंट के काम क्षेत्र में काम करता है, वो और DPE दोनों के क्लियर कट एरियाज डीमार्केट किए जा सकें और दोनों अपना अपना काम देख सकें. क्या काम देखेंगे अभी समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी. यहां पर मैंने नाम लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखिए डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, इसका नाम है दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट. यहां पर देखिए इट इज अ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट और ये डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है. तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है दीपम का काम क्या है, इट मैनेजेस गवर्नमेंट इक्विटी इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में जो गवर्नमेंट की इक्विटी है दीपम उसको मैनेज करता है, ठीक है जी. और ये डिसइन्वेस्टमेंट का रूट भी बनाता है, बताता है, वो अभी क्लियर हो जाएगा. तो दैट इज द दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट दीपम. इसके फुल फॉर्म आ सकते हैं या फिर एक वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है, यू कैन ईजिली आंसर अगर आपने समझा है तो. यहाँ पर अब क्या समझाएगा, रोल ऑफ DPE क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ, ठीक हो, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का रोल क्या है, ध्यान से समझिए. पहला, टू आइडेंटिफाई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस फॉर प्राइवेटाइजेशन और क्लोजर इन नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर इन कंसल्टेशन विद एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज. तो हमने क्या क्लियर, हमें क्या पता चला, सिंपल सी कहानी है, नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अंदर जो जो भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनको उनके प्राइवेटाइजेशन और क्लोजर के लिए ये आइडेंटिफाई करेगा DPE. डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज किस क्षेत्र में काम करेगा, ध्यान से समझिए, नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अंडर हमारे पास दो ऑप्शन थे कि इधर प्राइवेटाइज और क्लोजर. किस किस को नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में फेंक करके प्राइवेट और क्लोजर की दिशा में ले जाना है, उस सेक्टर को, इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई करने का काम DPE करेगा. किस किस को स्ट्रेटेजिक सेक्टर में इंक्लूड करना है वो नीति आयोग ने, और किस किस को नॉन स्ट्रेटेजिक में डाल करके प्राइवेट या क्लोजर करना है उसका आइडेंटिफिकेशन का काम कौन करेगा, DPE, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. तो लिखा है टू आइडेंटिफाई सेंट्रल पब्लिक एंटर, कितनी सारी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, नॉन स्ट्रेटेजिक में आइडेंटिफाई करके ही डालेंगे नॉन स्ट्रेटेजिक में कि भाई ये जाना बनती है नॉन स्ट्रेटेजिक में, और नॉन स्ट्रेटेजिक में जाके क्या होगा, प्राइवेट या क्लोज. सो टू आइडेंटिफाई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस फॉर प्राइवेटाइजेशन और क्लोजर इन नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर इन कंसल्टेशन, लेकिन किसके साथ, कंसल्टेशन विद एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज, नीति आयोग, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड दीपम, इन सबके साथ ये कंसल्ट करके ऐसा काम करेगा, खर्चे वाले विभाग के साथ, दीपम के साथ, नीति आयोग के साथ और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज. तो हमने देख लिया ये चारों ही इंक्लूजन, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी अल्टरनेटिव मैकेनिज्म में इंक्लूडेड थी, हमने देख लिया कि ये नीति आयोग स्ट्रेटेजिक सेक्टर में रिटेंशन करने के लिए रिकमेंडेशन देने वाला महत्वपूर्ण सेक्टर था. हमने देख लिया कि दीपम गवर्नमेंट की एसेट मैनेजमेंट कर रहा है सभी PSUs में, तो इन सबके साथ बात नहीं करेगा तो किसके साथ बात करेगा, तो करना ही पड़ेगा. तो इन सबके साथ कंसल्टेशन के साथ ये आइडेंटिफाई करने का काम करेगा कि किस किस CPSE को हमने नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में डालना है फॉर द पर्पज ऑफ प्राइवेटाइजेशन और क्लोजर. इतनी बात क्लियर हो गई. दूसरा काम, ये पहले स्टेप में इसका मेन एम क्या है, मैंने एक कंपनी आइडेंटिफाई करी, किनकी कंसल्टेशन के साथ, इन सब की कंसल्टेशन के साथ. आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है, मेरी आइडेंटिफिकेशन पे मोहर लगी है, मतलब मुझे इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिली है कहाँ से, और वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल कहाँ से ली जानी है, CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर से इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेगा किन के बारे में, जो जो कंपनियां उसने आइडेंटिफाई की हैं नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में डालने के लिए.
मैंने एज अ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज कंपनी ए आइडेंटिफाई कर दी कि ये नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में जानी चाहिए, और जाने के बाद होगी या तो प्राइवेट या क्लोज। लेकिन मुझे मुझे ये करने के लिए किसकी मदद चाहिए, मैं कंसल्ट करूंगा किनसे, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज के साथ मैं करूंगा, दीपम के साथ करूंगा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ करूंगा, नीति आयोग के साथ करूंगा, इन सबसे कंसल्टेशन करूंगा। लेकिन अल्टीमेटली इसको अप्रूवल कौन देगा? CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। समझ में आई बात? स्ट्रेटेजिक सेक्टर में किसी को डालना है कि नहीं डालना है, रिकमेंडेशन नीति आयोग का। रिकमेंडेशन किसको गया था? CGD को, कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, और उसका हेड था कैबिनेट सेक्रेटरी, और उससे आगे गया वो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म के पास, तो अप्रूवल वहां से मिला। लेकिन यहां पर तो कहानी बदल गई। यहां पर नॉन स्ट्रेटेजिक में डालना है तो कॉल कौन लेगा? DPE, वो आइडेंटिफाई करेगा किनकी कंसल्टेशन के साथ, इन चारों की। और अल्टीमेटली अप्रूवल इन प्रिंसिपल किससे आएगी? CCEA से, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स। इतनी बात क्लियर। अगला रोल, तो मैं एक बार लाइन पूरी पढ़ दूं। टू आइडेंटिफाई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस फॉर प्राइवेटाइजेशन और क्लोजर इन नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर इन कंसल्टेशन विद एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज, नीति आयोग, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड दीपम टू टेक इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ CCEA। सेकेंड, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस is also to set up a special purpose vehicle for asset monetization once the SPV is approved by the cabinet। तो government की strategic disinvestment policy में ये भी है कि company act के अंदर company format में एक special purpose vehicle बनाया जाएगा जो public sector undertaking के पड़े हुए अथाह जमीनों को, अथाह monetize होने वाले apparatuses को, infrastructure को monetize करने के सुझाव देगा। ये कौन करेगा? एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, और वो स्पेशल पर्पस व्हीकल एक कंपनी के रूप में बनाया जाएगा, और ये स्पेशल पर्पस व्हीकल को सेटअप करने की जिम्मेदारी किसकी है? DPE की। तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज इज आल्सो टू सेटअप अ स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर एसेट मोनेटाइजेशन, फॉर एसेट मोनेटाइजेशन। जमीन खाली पड़ी है रेलवे की, फ्री क्यों? वहां उसको लीज पे नहीं दे सकते, किराया नहीं आ सकता? आ सकता है ना। So asset monetization once the special purpose vehicle is approved by the cabinet, setup करेगा SPV को, setup कौन करेगा? DPE, पर कब? जब एक बार उसकी approval मिल जाएगी cabinet से, ये तब की policy थी। तो ये इसका दूसरा काम है, identify करना इसका पहला काम, SPV बनाना इसका दूसरा काम। तीसरा, Department of Public Enterprise will drive the closure process of central public sector undertake enterprises on the line of disinvestment process। ध्यान से समझिए, ये क्लोजर करता है, ये क्लोजर बिल्कुल उस प्रक्रिया की पालना करेगा ये क्लोजिंग के दौरान जैसी दीपम पालना करता है डिसइन्वेस्टमेंट के दौरान। तो ध्यान से देखिए, अधिकतर जो डिसइन्वेस्टमेंट का जिम्मा है वो दीपम के ऊपर है। आई बात समझ में? और डिसइन्वेस्टमेंट आपको ज्यादातर कहां नजर आ रहा है? स्ट्रेटेजिक सेक्टर के तहत। हम ये कह रहे हैं ना कि या तो गवर्नमेंट उसके शेयर को प्राइवेटाइज करेगी, या फिर गवर्नमेंट उसको मर्जर की तरफ लेकर के जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ यही प्रोसेस जो दीपम फॉलो करता है वो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर के मामले में डीपीई फॉलो करेगा। आई बात समझ में? क्लियर। तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस विल ड्राइव द क्लोजर प्रोसेस ऑफ CPSEs ऑन द लाइन ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस बीइंग रन बाय दीपम। किस लाइन पे? जैसे दीपम काम करता है। हम समझेंगे कि इस लाइन को किस किस मैनर में वो कह रहे हैं। सारे टैक्स, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सारी लाइबिलिटीज, बहुत कुछ होता है, फिर वो क्लोज होता है, बट अभी समझने की जरूरत नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज विल फॉलो अ सेट प्रोसीजर इन इम्प्लीमेंटिंग क्लोजर प्रोसेस। तो ये चार महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, टू आइडेंटिफाई CPSE फॉर प्राइवेटाइजेशन और क्लोजर। सेकेंड, SPV स्थापित करना एसेट मोनेटाइजेशन के लिए। तीसरा, ये उसी तरह से उसी लाइन पर काम करेगा जैसे डिसइन्वेस्टमेंट के लिए दीपम काम करता है, ये क्लोजर के लिए बिल्कुल उसी फॉर्मेट को फॉलो करेगा। और चौथा, DPE सेट प्रोसीजर पर काम करेगा, और वो प्रोसीजर सेटल्ड होगा, इसकी डिस्क्रेशन से नहीं होगा। वो सेट प्रोसीजर क्या है वो आई विल एक्सप्लेन। इतनी बात क्लियर। क्वेश्चन आ गया, व्हाई गवर्नमेंट वॉन्टेड टू ब्रिंग दिस चेंज, गवर्नमेंट ये चेंज क्यों लाना चाहती है? तो सीधी सीधी कहानी, टू इन्फ्यूज प्राइवेट कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये तीन चीज़ें सरकार करना चाहती है, और इसी के बाया आत्मनिर्भर भारत बनेगा। सरकार मानती है कि बहुत से इस तरह के बस स्टैंड के पास, रेलवे स्टेशन के पास, रेलवे के पास
सेंट्रल वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट के पास, इस तरह के तमाम पीएसयू के पास बेइंतहा एसेट्स हैं जो यूज़ नहीं हो रहे, और देश का यूथ ज़मीन के लिए तरस रहा है, दफ्तर के लिए, जगह के लिए तरस रहा है, उसे ट्रांसपोर्ट के लिए बसों की कमी है। वो थीम बेस्ड आज की डेट में अगर हम देखें तो सरकार के द्वारा आपको अवसर दिया गया है कि आप थीम बेस्ड रेलगाड़ी चला सकते हैं प्राइवेट। उसके पास पटरियां नहीं थी, उसके पास रेलगाड़ी नहीं थी, उसके पास आइडिया था। अब वो आइडिया कैसे एग्जीक्यूट होगा? हमें रेलवे स्टेशन चाहिए, हमें वो पटरियां चाहिए, हमें रूट चाहिए, हमें वो रेलगाड़ी चाहिए। अगर ये हमें मिल जाए तो हम यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों को, जालंधर के लोगों को नांदेड़ साहिब तक ले जा करके एक थीम बेस्ड दर्शन यात्रा निकालना चाहते हैं, और इसमें हमें पता है कि लोग बहुत आएंगे, बहुत काम है। लेकिन ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं रेलगाड़ी और उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। एसेट्स सेंट्रल की डिपार्टमेंट के अंदर आने वाली रेलवे के पास लॉक्ड है, तो मैं क्या करूं? और अभी अभी आपने देखा कि पहली रेलगाड़ी इसके तहत चली, द फर्स्ट प्राइवेट रेल दैट इज द थीम बेस्ड टूरिज्म मैकेनिज्म, वो उसके तहत चली है। उसके पर लगी पिक्चर्स, उसकी थीम्स, उसके पहनावे, खान पान, जहाँ से चलेगी, जिन जिन एरिया से होके जाएगी और जहाँ उसे पहुँचना है, वो सब उसके अकॉर्डिंग रखा है और वो प्राइवेट कंपनी ने चलाई है। दैट्स इट। पर प्राइवेट कंपनी को वो एसेट्स दिए हैं सरकार के अब तक के पीएसयू के पास पड़े हुए संसाधनों से। प्राइवेट प्लेयर भी आज रोजगार कमा रहा है। ये एक उदाहरण समझ आया? अब हम इसको आगे इन्हीं उदाहरणों के बाद थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। आगे हम दीपम के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने डीपीई के बारे में तो पढ़ ही लिया, अब दीपक के बारे में पढ़ लेते। दीपक नहीं बेटा, दीपम दीपम के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हम समझ पाएंगे कि सरकार की ये जो नीति है इस समय में डिसइन्वेस्टमेंट्स की, या पब्लिक पीएसयूज को प्राइवेटाइज करके या फिर क्लोज करने की, ये नीति किस दिशा में जा रही है, पर्पस क्या है, एम क्या है, हम उसको अच्छे से समझेंगे। दीपम के बारे में क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर नाम है दीपम। अभी अभी पढ़ा के हटाऊँ और आप ही की जिम्मेदारी है, आप मुझे बताएं दीपम का फुल फॉर्म क्या है? शानदार, अभी अभी पढ़ के हटे थे और बता भी दिया, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट। पब्लिक एसेट्स को मैनेज करेंगे और डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये। ओके, क्लियर है भाई? बेटा नाम है आपका कृतिका, ओके, ध्यान रखना। तो दीपम एक्चुअली में ये क्या है, पहले हुआ करता था डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, डीआईडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। ये डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को रिप्लेस किया है दीपम ने। उस समय में अरुण जेटली देश के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, बाद में तो उनका देहांत हो गया। तो 2016-17 की अपनी बजट स्पीच देते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा था कि दीपम स्थापित किया जाएगा जो डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को रिप्लेस कर देगा, और ये दीपम यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही होगा। तो 2016-17 की बजट स्पीच के तहत दीपम आ चुका था और उसके बाद ये स्थापित हुआ। इसने पहले से एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को रिप्लेस कर दिया था। सो रीनेमिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग, रीनेम भी किया और रीस्ट्रक्चर भी किया। रीनेमिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट वर अनाउंस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन 2016-17 बजट स्पीच अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही आएगा। सेकेंड, दीपम का एम क्या था, ये किस उद्देश्य के साथ लाया गया था? एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ सेंटर्स इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ सेंटर्स इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंक्लूडिंग इट्स डिसइन्वेस्टमेंट इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। देखिए इक्विटी का मतलब क्या है, देखिए सरकार की हिस्सेदारी है अगर हर जगह पर, किसी भी कंपनी में गवर्नमेंट 50% पे है, 55% पे है, 60% पे है, गवर्नमेंट की इक्विटी है। चलिए मान लीजिए हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इस समय में भारत सरकार की हिस्सेदारी 51% है, तो गवर्नमेंट की इक्विटी है उसमें 51% की, इक्विटी स्टेक्स हैं गवर्नमेंट के पास 51%, उसकी एफिशिएंट मैनेजमेंट करनी है। कोई आपसे पूछ ले कौन करता है, दीपम कौन करता है,
दीपम, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी कि ये मैनेजमेंट कौन देखता है, कि सरकार का मेरा पैसा लगा हुआ है, मैं एक आदमी हूँ। और पुराने जमाने में याद करिए, मुनीम जी सब देखा करते थे, दीवान जी, कि किधर किधर हमारा लगा हुआ है वो देख लेंगे। तो मेरा पैसा लगा हुआ है तो मैंने जिम्मेदारी लगाई हरप्रीत की, यार मेरे वहाँ 50% हिस्सेदारी है भाई, मैनेज कर लियो। तो देश की सरकार जो है उसकी इसी तरह से इक्विटीज़ हैं अलग अलग जगह पर, और उसको मैनेज करने का काम कौन कर रहा है? दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, बस दैट्स इट। MCQ इतना ही होता है, बस पता हो तो 2 सेकंड में क्लिक करता है, क्लियर। दूसरी, ये तो इसका उद्देश्य था। एक तो उसे कहा गया भाई एफिशिएंट मैनेजमेंट कर लेना हमारी जो इक्विटीज़ है, तभी तो नाम में शब्द आता है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। और दूसरा उसकी जिम्मेदारी लगाई कि यह भी देख लो कि जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में हमने डिसइन्वेस्टमेंट करना है, विनिवेश करना है, विनिवेश, वो भी देख लेना कि डिसइन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है, क्या करना है। कहते ठीक है सर, दोनों उद्देश्य क्लियर हैं, आप ले दे करके ये करना चाहते हैं, जिधर पैसा लगा है सही जगह पे लगा है तो उसको प्रॉपर मैनेज करो, वेस्टफुल ना जाए, और जिधर गलत लगा है पैसा निकालो, जिधर ज़रूरत नहीं है निकलो, यही है ना। आप मुझे यही इसलिए बना रहे हैं ना, सरकार कहती बिल्कुल ठीक है, इसीलिए बना है। जिधर लगा है पूरा चौकस रखो प्रबंध, और जिधर ज़रूरत नहीं है अपनी निकालो। कहते ठीक, पैसे का सही प्रबंध, एसेट का सही मैनेजमेंट तो तभी होता है ना। अगर मेरी कोई पूंजी है, मेरा कोई कैपिटल है, मेरा कोई एसेट है, उसका खूबसूरत मैनेजमेंट कैसे करोगे आप? जहाँ ज़रूरत है और लगा है वहाँ फुल यूटिलाइज करें उस फंड को, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ से निकाल के सरकार को दें कि वहाँ लगाइए। तो लगाना भी, लगा हुआ मैनेज भी करना, और निकालने का काम भी करना, ये दोनों काम दे दिए गए। ओके, तो कन्फ्यूज नहीं होना। मैंडेट, क्या मैंडेट दी गई, क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं इसके लिए करने के लिए? मैंडेट क्या है? किसी ना किसी मैंडेट के तहत ही बनाया जाता है किसी को। पहला मैंडेट है एडवाइज द गवर्नमेंट इन मैटर्स ऑफ फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है कोई भी, मान लीजिए कि फिर से उदाहरण ले लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सरकार का पैसा लगा हुआ है, सरकार का 51% लगा हुआ है। सबसे पहली ज़रूरत ये है कि ये बात इंश्योर की जाए कि ये जो फाइनेंसेस सरकार के इस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में लगे हुए हैं, इस फाइनेंसेस, इस पैसे में डेट कितना रखना है और इक्विटी मार्केट से कितना उठाना है, ये ज़रूरी है ना। डेट इंस्ट्रूमेंट कितना रखना है और इक्विटी मार्केट से कितना उठाना है, ये चीज़। दूसरी बात, वो जो कंपनी, जो मैनेजमेंट सरकार के कंट्रोल में है उस PSU की, वो कंपनी अपने फाइनेंसेस किन जरिए से, किन रस्तों से जुटाए, उसको क्या ऑर्डर देने हैं कि भाई कैसे कैसे कहां कहां से पैसा जुटाओ। हो सकता है अभी तक वो पूरी तरह से सरकार की द्वारा दी गए पैसे, यानी कि कैपिटलाइजेशन जो सरकार करती है उसी के दम पे चल रही हो, या फिर बहुत ज़्यादा डेट बॉन्ड या लोन इंस्ट्रूमेंट से पैसा डिराइव करती हो, या सरकार का उसमें निवेश आता है, सरकार उसको बोले कि भाई ऐसा करो शेयर बाज़ार में जाओ, हम आपका कैपिटलाइजेशन रीकैपिटलाइजेशन नहीं करेंगे, आप शेयर बाज़ार की तरफ जाएं। ये सब आदेश जो उस ऑर्गेनाइजेशन को देने हैं वो एक साउंड ओपिनियन पर बेस्ड होने चाहिए, एनालिसिस पर बेस्ड होने चाहिए। वो सारा कुछ दीपम करेगा और बताएगा कि फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग इनकी ऐसी करनी है अपन ने, दैट्स इट। ओके, तो ये मैंडेट दी गई है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के फाइनेंसेस को रॉबस्ट बनाने के लिए, सरकार का बोझ घटाने के लिए, ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए, इन CPSUs को परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनाने के लिए फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग इज रिक्वायर्ड। आई बात समझ में? मेरे घर वाले मेरे को 100 रुपया देते हैं और 100 रुपया देते हैं और ऐसे कहते हैं कि भाई क्योंकि तुम मेरी संतान हो 100 रुपया तुम्हारा अधिकार है ले लो। मैं जाता हूँ बाजार में 100 रुपया उड़ा देता हूँ। किसी ने आके घर वालों को बोल दिया कि ऐसे 100 रुपया अगर रिश्ते के नाते देते रहोगे ये तो कभी उस 100 का 200 करना ही नहीं चाहेगा, ये तो खर्चा कर देगा भाई। तो कैसे बोला कैसे करें, कहते 100 रुपया दो लेकिन उसमें ऐसा रखो कि उसमें 70 रुपया तुमने दिया है इसको, इस नाते की तुम्हारा कुछ लगता है, 30 रुपया लोन है, 30 रुपया उसमें लोन है, इसको उस पर ब्याज भी देना है और तुमको 30 रुपया वापस भी करना है। कहते अच्छा, मानना फाइनेंस का जो अभी ढांचा हमने बनाया है उसका ढांचागत परिवर्तन